कहानी है और क्या कुछ देखने मिलेगा इसमें? बुलेट बाबा की कहानी तो सबने सुनी है, बट ये मेरी जिंदगी की कहानी है कि जब से मैंने इनको माना है बुलेट बाबा को, तब से मैं मतलब स्ट्रगल करते हुए इस पद पे पहुंच चुका हूं कि आज प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च कर रहा हूं। सारा स्ट्रगल मैंने बुलेट बाबा को बहुत मैंने माना है अपने दिल से, और आज यहां पे पहुंचा हूं मैं। और थोड़ा सा बताइए आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या क्या हुआ और फिल्म के अंदर लोगों को क्या और देखने मिलेगा। मैंने सबसे ज़्यादा तब मानने लगा जब मेरे 5 मेजर एक्सीडेंट्स हुए और मुझे एक खरोंच भी नहीं आई, तब से मैं इनको बहुत ज़्यादा मानने लगा। फिर जो भी तकलीफ आई मैंने इनको ही माना, और मुझे सब कुछ देते गए जो मैंने मांगा इनसे। और ये मैं मानता हूँ कि इनको मैं ही नहीं, सब माने जिनको सब दिया इन्होंने। सबके आराध्य देव होते हैं, मेरे आराध्य देव बुलेट बाबा मेरे, जिनको ओम बन्ना के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म में क्या देखने मिलेगा लोगों को? ये फिल्म नहीं, एक सॉन्ग है मेरा जो मैं इनको डेडिकेट कर रहा हूँ कि मेरे आने वाली वेब सीरीज से पहले मैं अपना ये बुलेट बाबा के लिए एक मैंने सॉन्ग रखा है। राइट। और क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी? जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि जो है आपके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, वैसे बहुत सारे लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुए होंगे ऐसे, तो क्या क्या आपने रिसर्च करनी पड़ी एज अ प्रोड्यूसर? आप एक्ट भी कर रहे हो फिल्म के अंदर, सॉन्ग के अंदर, तो क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी आपको? ओम बन्ना के बारे में तो मैं सब कुछ जानता ही था, बट मैंने सोचा इनके लिए कुछ अलग किया जाए। इनके सारे सॉन्ग मैंने सुने जो यूट्यूब पे अदर प्लेटफॉर्म्स पे है, सबको सुना मैंने, बट मुझे लगा कि मुझे कुछ इनके लिए यूनिक करना चाहिए, अलग करना चाहिए। ये सिर्फ एक राजस्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए, इनकी गूंज पूरे इंडिया में होनी चाहिए आज। Right. और क्या वो जगह पे विजिट किया आपने और लोगों से बात करने की कोशिश की उस बारे? उनसे तो मैं हर साल विजिट करता हूँ वहाँ पे। इस बार मैंने उनके बेटे से मिला, उनसे बातचीत हुई, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, पूरी कहानी को जाना उनके, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके बारे में। और बाकी तो सब मेरा पता ही था, मैं वहीं से हूँ बिलोंग करने वाला। मैं एक नागौर क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र से निकला हुआ हूँ, जो जयपुर में स्ट्रगल करते हुए बॉम्बे पहुँच गया, और बॉम्बे में आज अपना आगे का सफर तय करूँगा। राइट। एज अ एक्टर आपको क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्योंकि जो है सब जानते हैं कि जो मतलब ओम बन्ना जी को सब जानते हैं, एज अ एक्टर कितनी मेहनत करनी पड़ी उनके किरदार में ढलने के लिए आपको? नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं की, क्योंकि मेरी जिंदगी है, मैं ऑलरेडी मेहनत कर चुका हूँ उसके लिए, और मैं कोई एक्टर बनने के लिए नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर आ रहा हूँ। सिर्फ इस सॉन्ग की कहानी मेरी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ किरदार इसमें। Right. और जैसे आपने कहा कि आपका प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या क्या मोटो होगा आपके प्रोडक्शन हाउस का, क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इसमें? सबसे पहले हम वेब सीरीज दे रहे हैं, शॉर्ट मूवीज रहेगी, ब्रांड प्रमोशंस रहेंगे, इवेंट्स रहेंगे, सब रहेगा, क्योंकि ये इवेंट कंपनी को ही मैंने प्रोडक्शन हाउस में कन्वर्ट किया है। राइट। और जो गाना लॉन्च होने वाला है उसके बारे में कुछ बताइए, उसके अंदर कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स होंगे, सिंगर्स होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। इसमें हमारे लिरिक्स है नीतू पांडे क्रांति जी ने किए, और सबसे बढ़िया म्यूजिक और सिंगर है जो यूवी भाई है, यूवी जी, उन्होंने बहुत अच्छा गाना किया मेरे लिए, और जो मतलब एक अलग गाना है, अब तक मतलब इस ओम बन्ना के लिए आज तक बना ही नहीं ऐसा गाना। और नीतू जी बहुत ही बड़ी जो है लिरिक्स राइटर है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और यूवी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब मैंने एक बार में डन कर दिया, मैंने कोई इतनी सी भी गलती इनके लिरिक्स में और सॉन्ग में नहीं निकाली, सब कुछ ओके था, इतना परफेक्ट हुआ, इन्होंने अपने दिल से किया, जो ओम बन्ना को अपना मान के लिखा और ओम बन्ना को अपना मान के इन्होंने गाया मेरे लिए। और ये शूट कब से शुरू होने वाला है और कौन से प्लेसेस पर, क्या रियल लोकेशन पर आप शूट करने वाले हैं? इसकी रियल लोकेशन पर शूट होगा और बॉम्बे में भी होगा, बट अभी हमने डेट डिसाइड नहीं किया कब होगा, बट जून एंड में इसकी रिलीजिंग हो जाएगी। सो इतनी बड़ी पर्सनालिटी के ऊपर ये गाना बन रहा है, थोड़ा सा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ सिंगर, आपको क्या 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 तैयारियां करनी है? देखिए एज अ सिंगर वैसे तो मैं बहुत सारे गाने गा चुका हूँ बहुत कुछ, लेकिन ना इसमें एक अलग बात थी, जब मैंने ये गाना पहली बार सुना था तो मुझे पता, मतलब जब मतलब इस बारे में सुना ओम बन्ना जी के बारे में, तो मुझे नरेंद्र भाई ने बताया, तो मेरे लिए ये अनजान वो था, तो मुझे ऐसा था कि ऐसा क्या किया जाए जो कि भजनों में नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता है और नहीं किया हो किसी ने, तो मैंने भी ऐसा नहीं किया है कि मतलब कुछ अलग चीज़ की है, लेकिन एक स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। इन्होंने जिस दिन बताया और नीतू पांडे क्रांति जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, तो सबसे पहले गाने के बारे में मतलब गाना उन्होंने लिखा, तो और लिख के जब इन्होंने अप्रूव कर दिया था आपने ना, तो इन्होंने अप्रूव किया कि हाँ ये गाना एकदम परफेक्ट है जैसा इनको चाहिए था। तो बेसिकली गाना इनकी जर्नी है, तो इनके साथ जो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं,
तो नरेंद्र के वो एक्सपीरियंसेस ही हमने गाने में यूज़ किया और इतनी अच्छी वर्डिंग्स थी, तो मुझे वो गाना बनाते हुए हार्डली 5 मिनट लगे थे जब मतलब मेरे को वो धुन आई, तो मुझे ऐसा लगा शायद ये भगवान की कृपा ही है, नहीं तो एक गाना बनाने में कई बार कई टाइम लग जाता है, कई बार 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 गाते हैं, बार बार सुनाते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वो एक बारी में बना और मैंने इनको गा के भेजा था ना, मैंने सबसे पहले इनको व्हाट्सएप पे गा के भेजा, तो ये बोलते परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग यहीं पे मिले थे, इनके घर पे मिले, और उसके बाद तो मतलब काम हुआ विद इन वीक, मतलब हमारा गाना एकदम रेडी हो गया। तो और गाते हुए भी जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्पेशली मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो ताकत है जो आवाज़ निकल रही है, सुर लग रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, हार्डली 15 मिनट में मैंने गाना गा दिया था, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू नरेंद्र भाई जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा एक देखिए गाना तो हम गाते रहते हैं, गज़लें गा दी, गीत गा दिए, फिल्म का गाना गा दिया, ऐसे ऐसी शख्सियत पे गाना करना और ऐसी जर्नी, मैं भी इनकी जर्नी का हिस्सा बना, तो आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू। हालांकि गाना अभी शूट होना बाकी है, लेकिन अगर 2 लाइनें गुनगुनाना चाहे आप गाने की अपनी आवाज में। हाँ मैं चला साथ में, साथ चला है तू, गांव शहर हर नगर नगर दिन रात चला है तू, हर दुख संकट मिटा के मेरा करता रहे कल्याण, तेरा ध्यान मैं धरूं और तू रखे मेरा ध्यान, तेरी महिमा महान, तू ही मेरा भगवान, मेरे ओम बन्ना ओ मेरे बाबा जी, मेरे बुलेट बाबा ओ मेरे बाबा जी। तो ये एक छोटा सा झलकी दी है मैंने आपको, पर म्यूज़िक के साथ ये कमाल हुआ है और मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि वीडियो भी कमाल का करने वाले हैं और धमाल करेंगे बिल्कुल। कितना चैलेंजिंग था बुलेट बाबा पर गाना लिखना, और अगर थोड़ा सा उस बारे में बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? एक्सपीरियंस काफ़ी नया था क्योंकि ओम बनना भी मेरे लिए नए थे, मैंने बस उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना था, तो जब नरेंद्र जी ने मुझे बताया ओम बन्ना के बारे में कि गाना करना है, तो मेरे लिए भी नए नए गाने ही आते हैं और वो हमेशा एक चैलेंज ही होता है कि हम कितना उस पर खरे उतर पाते हैं लिखने में, सोचने में, और एक होता है कि भाई किसी दूसरे के थॉट्स के साथ में अपनी राइटिंग को जस्टिफाई कर पाना, लिख पाना, तो बस एक आप ये बोल सकते हैं कि ओम बन्ना की कृपा हो गई। तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो बस शब्द आते गए और फिर बनता गया और एक अच्छा सा गाना बन गया, और ऐसा बना कि हाँ मैं खुद उनके साथ हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ओम बन्ना की कृपा मेरे साथ बनी हुई है। और एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि जब से मैंने ये गाना लिखा है तो मतलब मैंने कभी ओम बन्ना के दर्शन नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन जैसे उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही है, और एक जो काम का सिलसिला थोड़ा कम हो गया था मेरे साथ वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, तो मैं ये भी मान रही हूँ कि ओम बन्ना का भी आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ गया है और मेरा काम हो रहा है। सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, इस बात का मैं चश्मदीद गवाह, क्योंकि इन्होंने मेरे को ना ये स्पेशली बात फोन करके कही कि जिस दिन से मैंने ये गाना लिखा है उस दिन से मेरा काम जबरदस्त बढ़ गया। बहुत बिजी हो गई हूँ मैं, मेरे पास यहाँ भी आ जाने का टाइम नहीं था, फिर भी मैं किसी तरह मैंने गाने, जिनकी वजह से काम मेरा बढ़ा है उनके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। काफी अच्छा हुआ है। नरेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगे कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का प्लान है इस गाने को? इसके लिए मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है, और जो ऑडियो का मेरा प्लान है वो काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है और भी अदर चैनल्स पे मैं इसको रिलीज करना चाहूंगा। किरदार में नजर आने वाली आप इस सॉन्ग में नरेंद्र जी के पोज़? ओके सो हाय, मेरा नाम अद्विका शर्मा है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और इस सॉन्ग में मैं एज अ इनकी पार्टनर कर रही हूँ,
तो मैं नरेंद्र जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ और ऐसे ही एक दिन इनका सडनली मेरे पास कॉल आ गया और इन्होंने बोला कि कुछ काम की बात करनी है, अगर फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। तो मैं इनसे मिली, इन्होंने मुझे बताया पूरा सॉन्ग वगैरह के बारे में। तो क्योंकि बचपन से मैं जयपुर से हूँ तो मैंने ओम बन्ना जी के बारे में बचपन से सुनती आई हूँ, तो मैंने जैसे ही नाम सुना कि उनका सॉन्ग है तो फिर मेरे मन में क्यूरियोसिटी जगी कि मुझे और इनके बारे में, क्योंकि मैं हमेशा से जाना चाहती थी, इनके बारे में और सुनना चाहती थी और मतलब चीज़ें चाहती थी कि मैं उनसे रिलेटेड करूं और मैं खुद जाके पर्सनली दर्शन करूं उनके, क्योंकि हम जैसे राजस्थान में इनकी बहुत मान्यता है और इनको हम लोग सुनते आए हैं, इनके बारे में राजस्थान में बहुत सारे इनके ऊपर सॉन्ग्स बने हैं, मूवीज़ हैं, हर चीज़ है। तो जब इन्होंने मुझे बताया और सॉन्ग सुनाया तो इसका म्यूज़िक और इसके जो लिरिक्स हैं और जो यूवी जी ने गाया है उनको भी मैं जानती हूँ, तो जब वो मैंने सुना तो मतलब एकदम मुझे दिल को छू गया और मुझे लगा कि यार और क्या चाहिए। और जब से मैंने ऑनेस्टली जो उन लोगों ने बताया कि उनके ऊपर कृपा है, तो हम तो राजस्थान से ही हैं, उनके हमारे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कृपा है। तो और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उनके बारे में सुना है और हमेशा सबकी हेल्प करते हैं वो, चाहे उनका कोई नाम भी ले लेता है तो वो एकदम उसके लिए ऐसा है कि उनको सब चीज़ें उनके लिए करनी है। तो राजस्थान में जितना मानते हैं हम दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं। और ये सॉन्ग के लिए जैसा कि प्रोडक्शन है 24 ड्रीम डेस्टिनेशन, तो इसके साथ में मैं पहली बार काम कर रही हूँ। नरेंद्र जी को भी जानती काफ़ी टाइम से हूँ बट काम पहली बार कर रही हूँ मैं इनके साथ। तो अब ओम बन्ना जी की कृपा है और गणपति बप्पा की कृपा रही तो हम बहुत अच्छी वीडियो और बहुत अच्छा सॉन्ग ये लेके आएंगे आपके सामने, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप बताना चाहें अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, मेरे प्रोडक्शन में और भी वेब सीरीज वगैरह आने वाली है, मूवीज आने वाली है जो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड में डाल चुका हूँ मैं, और इसके साथ ही मैं ओम बन्ना 2 का गाना भी बहुत जल्द आने वाला हूँ जिसमें मेरे आगे की जर्नी भी रहेगी। राइट, और जैसे आपने बताया कि सॉन्ग्स तो आए हैं बहुत सारे, क्या मूवी बनाने का कोई प्लान है ओम बन्ना जी के ऊपर, अगर उस बारे में? नहीं, अभी फिलहाल कोई मेरा ओम बन्ना जी पे मूवी बनाने का प्लान नहीं है। सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि ये सॉन्ग की गूंज सब जगह पहुंचेगी तो मूवी मेरी पहुंच पाएगी। ऑडियंस से क्या बोलना चाहता हूँ? ऑडियंस से मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस गाने की जल्द से जल्द शूटिंग होने, रिलीज होने के बाद आप ऑडियो में सुने और वीडियो को देखें, उसके बाद आप ओम बन्ना के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाओगे। राइट,